हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ इंग्लिश वर्कशीट वीक 5 टॉपिक अपोजिट्स। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 5 टॉपिक अपोजिट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स। ब्लैंक में आपको एप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट बिग, बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। सेकंड डे, डे का अपोजिट लिखेंगे नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हैप्पी, हैप्पी होता है खुश। हैप्पी का अपोजिट लिखेंगे सैड, दुखी। फोर्थ क्लोज्ड, बंद। इसका अपोजिट लिखेंगे ओपन, खुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फास्ट, फास्ट का होता है तेज। नेक्स्ट पिक्चर को देख के लिखेंगे स्लो, स्लो होता है धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट लिखेंगे यंग। सेवन्थ हॉट, हॉट होता है गर्म। इसका अपोजिट लिखेंगे कोल्ड, ठंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अप, अप होता है ऊपर। इसका अपोजिट लिखेंगे डाउन, नीचे। नाइन्थ डे, डे का अपोजिट क्या लिखेंगे? नाइट, रात। डे होता है दिन और नाइट होता है रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। रिस्पेक्ट लव फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट और लव। वी लिव विद आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन द फैमिली। हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ परिवार में रहते हैं। पेरेंट्स ऑफ आर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, दादा दादी कहते हैं। दे आर द एल्डेस्ट मेंबर्स इन आर फैमिली। वे हमारे परिवार के सबसे एल्डेस्ट, बड़े सदस्य होते हैं। वी कैन शो आर रिस्पेक्ट लव एंड केयर फॉर आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हम निम्नलिखित तरीकों के द्वारा अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट लव और केयर दिखा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं चलिए देखते हैं। बीइंग पोलाइट टू देम, उनके प्रति पोलाइट होना। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना। हेल्पिंग देम इन देयर डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या में उनकी हेल्प करना। लुकिंग आफ्टर देयर हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य की देखरेख करना। आस्किंग फॉर देयर एडवाइस, उनकी सलाह लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स मेक आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फील स्पेशल बाय मेकिंग अ लव यू कार्ड फॉर देम। आओ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पेशल फील कराएं एक लव यू कार्ड बनाकर। तो बच्चों आप एक कार्ड बनाएंगे, उस पर लिखेंगे लव यू और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देंगे। आस्क अबाउट देयर फेवरेट इंडोर गेम एंड प्ले विद देम, उनके फेवरेट इंडोर गेम के बारे में जानेंगे और उनके साथ खेलेंगे। राइट टू हॉबीज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की दो हॉबीज जानेंगे और लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। इन इंडिया डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्टर्स होल्ड इन आर लाइव्स। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है ताकि हम अपने जीवन में उनके महत्व को समझ सकें। This day is also mean to commemorate the medical industry and its advancement. इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो medical industry है और उसके advancement को जाना जा सके। अब यहाँ winning doesn't always mean being first. Winning means you are doing better than you have done before. Bonnie Blair. Bonnie Blair ने क्या कहा है कि जीतने का मतलब केवल फर्स्ट आना नहीं होता, जीतने का अर्थ होता है कि आप पहले से बेहतर कर रहे हैं। अब ईट एनी सीजनल फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट शेक जूस, कोई भी
सीजनल फ्रूट खाएं या फ्रूट शेक या जूस पिएं। गेम स्नेक एंड लैडर प्ले विद योर फैमिली, सांप सीढ़ी का खेल अपने परिवार के साथ खेलें। एक्टिविटी ऑफ द डे हेल्पिंग टू ले द बेड लिनन बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने से पहले अपने बेड की जो चादर है उसको बिछाने में अपने पेरेंट्स की मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या दी गई है। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ कुछ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या में शामिल करने वाली अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं, आप इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।